हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। ब्रह्मपुत्र नदी के पार्ट को खुद में समेटने वाला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है असम, जो पूर्वोत्तर भारत के सतवाहिनी कहे जाने वाले राज्यों की धुरी है। दूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, विविध वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। असम के पिछले वीडियो में हमने इस राज्य से जुड़ी हुई बहुत कुछ आपको चीजें बताई थी, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया। आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ और अनसुनी बातें, जो कि आई एम श्योर आपको काफी पसंद आएंगी। असम के रोमांच भरे जंगल, चाय के बगान, कलकल करती ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति है, संस्कृति और परंपरा का एक दूसरे से अटूट बंधन है। तिब्बत से बहकर आते विशाल ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। अगर हम हिंदू मिथ की कहानियों पर विश्वास करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को नद के तौर पर माना जाता है। हल्की धूप या शाम की ठंडी हवा में अक्सर पर्यटकों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है। ये एक ऐसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। जोशपूर्ण जीवन शैली, चेहरे पे मुस्कान लिए लोग, विभिन्न जनजातियां और संस्कृति असम के समाज की विशेषताएं हैं। राज्य में विविध समुदायों और जनजातियों के लोग रहते हैं और सब बहुत मिलनसार हैं। इस भूमि पर कई राजवंशों के महान राजाओं ने राज किया है। मध्यकाल में भारत ने कई हमलों का सामना किया था, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। इसमें वीर योद्धा लचित बरफुकन जी का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो ये जगह आपको असम में दिखाई दे जाएगी। असम के जातेंगा नामक जगह को एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों, इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुत्थी अब तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। क्या आपको पता है, देश के दूसरे राज्यों के इतर असम राज्य का अपना अलग राज्य गान है। लक्ष्मीनाथ बीज बरुआ जी ने इस गाने की रचना की थी। देश के कई अन्य राज्यों की तरह असम में भी खेती ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। आमदनी के मामले में असम में खेती का स्थान तीसरा है और राज्य के 69% लोग ये व्यवसाय करते हैं। हालांकि चाय के उत्पादन के मामले में विश्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है। असम सिर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियों इत्यादि की झलक का प्रतीक है। मेलों और त्योहारों का राज्य है ये। असम की ढेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ का गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, बैसाख बिहू, काती बिहू और भोगाली बिहू। असमिया कैलेंडर बैसाख महीने से शुरू होता है, जो अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने के मध्य में होता है। दोस्तों, कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए काफी होता है। असम की वेशभूषा भी इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। आज के समय में यहाँ के युवा भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन असम की वेशभूषा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके पारंपरिक त्योहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं की ड्रेस दो भागों में विभाजित है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार के चादर से ढका जाता है और वहीं नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ ही वो लोग गले में गामोसा भेजते हैं, जो केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभावने नजारों के अलावा जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है वहाँ का खाना। यहाँ के खाने का स्वाद एकदम अलग है, जो आपको पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगा। खासतौर से यहाँ के नॉनवेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही यहाँ आपको स्वादिष्ट पोक, चिकन, बतख और मटन के कई व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। जब भी असम के विशिष्ट व्यंजनों की बात होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। इसके साथ ही असम का एक फेमस फूड है आलू पिटिका, जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है। रेशम के कीड़ों से बना हुआ व्यंजन भी यहाँ का प्रिय भोजन है। नॉनवेज फूड में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन टेंगा फिश कड़ी है, जिसे बनाते समय आउ टेंगा, टमाटर, नींबू या किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ त्योहारों के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिट्ठू और लड्डू बनाए जाते हैं। असम में आपको स्ट्रीट फूड की भी अलग अलग वैरायटीज मिल जाएंगी। असम अपने वन्य जीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा असम पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बेहतरीन जगह है। आइए एक नजर डालते हैं इस राज्य की बेहतरीन जगहों पर। माजुली, असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी का एक प्रदूषण मुक्त द्वीप है माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लिहाजा इसकी इसी खासियत की वजह से ये दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि यह असम में वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ
हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। कामाख्या मंदिर। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होते हैं। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से ये 8 किलोमीटर दूर स्थित है और ये मंदिर एक पहाड़ी पे बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर दो हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सिंग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस समय यहां साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की एक खास बात ये भी है कि यहां विभिन्न प्रजातियों के बाज, चीले और तोते भी आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके आसपास कई आकर्षण हैं, जहां आप दो दिन के अंदर घूम सकते हैं। उमानंदा। गुवाहाटी के दिल में बसा उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहां आप शिव मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहां पर सुबह सूर्योदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है, जो आप ताउम्र याद रखेंगे। वैसे तो इस द्वीप पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ रहती है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय ये भीड़ दोगुनी हो जाती है। तेजपुर। दोस्तों, असम आकर अगर आपने तेजपुर नहीं घूमा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि असम के पर्यटन स्थल के रूप में ये सबसे अधिक फेमस है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। शहर की भाग दौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेक बाग बगीचे बने हुए हैं। शिव सागर। शिव सागर अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। चूंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा, इसलिए शिव सागर में महान अहोम शासकों की कई निशानियां देखी जा सकती हैं। ये शहर करीब 100 साल तक अहोम साम्राज्य की राजधानी था, जिससे इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ ढेरों तेल और चाय के बगान हैं। शिव डॉल, तलातल घर, करेंग घर, गरगांव महल आदि शहर के कुछ खास आकर्षणों में से हैं। अगर आप शिव सागर घूम रहे हैं तो रंग घर नामक नाच घर को देखना न भूलें। मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम का प्रमुख पार्क है, जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधता के कारण जगह बना चुका है। मानस देश की पहली बाघ अभयारण्य योजना है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख हैं। डिब्रूगढ़। जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है असम की चाय का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत के चाय का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में कई चाय के बगान हैं जो ब्रिटिश के समय से हैं। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिश्रण है, जिसकी एक ओर खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो दूसरी ओर शहर के किनारों पर हिमालय की श्रृंखलाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। असम के सबसे शानदार शहरों में से एक होने के नाते डिब्रूगढ़ में शांति, सुंदरता, इतिहास के रंग और अत्यधिक हरियाली की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए कई चीजें हैं। डिगबोए। तिनसुखिया जिले में स्थित डिगबोए में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का जन्म हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह इतिहास के किताबों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पे डिगबोए युद्ध कब्रिस्तान बसा है। ये जगह आपको द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला देगी। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों को डिगबोए में समृद्ध वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का गोल्फ कोर्स भी काफी मशहूर है। असम सिर्फ घूमने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन, कई प्रकार की चाय। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांच से प्यार करते हैं तो असम ऐसी जगह है जहाँ आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। असम पर्यटन कई प्रकार की साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रूज, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी चीजों का घर है। यहाँ कई प्रकार के गोल्फ कोर्सेज भी स्थित हैं, जहाँ आप अपने हुनर को परख सकते हैं और इस शाही खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में जानकर? क्या आपने कभी सैर की है इस खूबसूरत राज्य की? हमें जरूर बताएं। और अगर आपको असम पसंद है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय आई अखम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। सारी वीडियो एक तरफ, मुझे तो ये सुनने में ब्रह्मपुत्र लफ्ज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था।
मैं इसका मायनी तो नहीं समझता, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है कि ये कोई नदी या दरिया है जो आसाम की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा भी आसाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत रियासत लगी है मुझे, अपनी वाइल्ड लाइफ को लेके, अपने जंगलात को लेके और आसाम की बेहतरीन चाय को लेके। आसाम का जवाब नहीं, सच में बहुत ज़बरदस्त और बहुत पुरसकून ज़िंदगी लगी है। ब्रह्मपुत्र नदी सियाहती मकाम है आसाम में और शायद सबसे बड़ा सियाहती मकाम है, क्योंकि वीडियो में बार बार ये नाम सुनाई दे रहा था। इसके अलावा भी आसाम में हज़ारों साल की तारीख आज भी जारी है, जो मुख्तलिफ त्यौहारों पर देखने को मिलती है। बिहू नाम का शायद त्यौहार है जो 3 बार 1 साल में मनाया जाता है। वैसे तो आसाम के लोग मगरबी लिबास पहनते हैं, लेकिन इन त्यौहारों के मौके पर वो अपना सकाफती और तारीखी लिबास भी पहनते हैं, जिसकी वजह से आसाम का हज़ारों साल पुराना खुशनुमा रंग निकल के सामने आता है। तो आसाम देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और इंडियंस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है। पूरी रियासत ही एक खूबसूरती से माला माल है। और जैसे वीडियो में कह रहे थे कि यहाँ का मौसम इतना ज़बरदस्त है कि ना तो आपको शदीद गर्मी लगेगी और ना आपको शदीद सर्दी लगेगी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर फूड की बात की जाए तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो रियासत आसाम है, इसकी फूड मुझे इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया दिल्ली वाली साइड, यहाँ की स्ट्रीट फूड बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आसाम भी बहुत अच्छा लगा। ये सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आसाम में ब्रिटिश से पहले कोई भी गैर मुल्की ताकत इन पर काबिज़ नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश ने इनको अपने मातहत कर लिया। लेकिन ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आसाम के लोगों ने, आसाम के बादशाहों और मजबूत फौज ने 17 बार मुगल्स को शिकस्त दी, और मुगल्स ने जो 17 बार इस इलाके को फतह करने का ख्वाब देखा वो 17 बार नाकाम बना दिया गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और यहाँ से इन लोगों के अपने इलाके और अपने वतन से मोहब्बत नज़र आती है। वतन से याद आया कि आसाम का अपना एक अलहदा कौमी तराना भी है, जिसे वहाँ के लोग गाते बजाते भी हैं। वैसे तो इंडिया के तराने को वो मर्जी तराना मानते होंगे, लेकिन उनका एक मुकामी तराना भी है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर तो नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर फिर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो इसलिए आज से ये चाइना के फितने और फसाद से काफ़ी हद तक बची हुई रियासत है। लेकिन फिर भी आज से कुछ साल पहले तक आसाम में चाइना नवाज़ बागियों का अच्छा खासा असर और रसूख देखने में आ रहा था। वैसे भी ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड है, ये पूरे इंडिया से अच्छी खासी हटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 7 रियासतें हैं और आसाम इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है अपनी आबादी को लेकर। तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं है कि आसाम में सिर्फ ज़िंदगी बहुत लुत्फानंदोज़ है, बल्कि आसाम अपने फ्लड्स को लेकर आलमी खबरों में रहता है। और शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब आसाम में अच्छा खासा फ्लड ना आया हो, जिससे हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और दर्जनों या सैकड़ों कीमती जाने ज़ाया हो जाती हैं, जो यहाँ के जुग्राफियाई और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आसाम हर साल एक बड़े तूफान को, बड़े सैलाब को फेस करता है। 430 किलोमीटर पर फैला हुआ आसाम का नेशनल पार्क देखा, बहुत ज़बरदस्त लगा कि वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। इसके अलावा उस इलाके को बाघों का घर भी कहा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ को भी लेकर आसाम एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक जजीरा है और जजीरे के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जो सूरज के ग्रूब और तुलू होने के नज़ारे हैं, वो भी सच में बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आसाम देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आसाम कुदरती नेचुरल ब्यूटी से रिच एक इलाका है और इंडिया के लिए एक शान और एजाज की बात है। आपकी कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।